नाम है आपका? मेरा नाम पारुल वाजपेयी है, मैं यही रायबरेली शहर का निवासी हूँ। अच्छा, ये जो सुपरमार्केट है इसका भी स्थापना हुई थी, क्या है इसकी स्थिति? देखिए, सन 84 में हमारे पिताजी ने भी यहाँ पर एक छोटी सी दुकान ली थी और आज भी हमारी यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है। और पिताजी के माध्यम से और यहाँ के अन्य व्यापारियों के माध्यम से मुझे ये पता है कि लगभग ये सन 72 में इस सुपर मार्केट का, गुरु तेग बहादुर मार्केट का निर्माण नगर पालिका के द्वारा किया गया था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऊपर प्रथम तल पर और द्वितीय तल पर ऑफिस थे, नगर पालिका का स्वयं यहाँ आज भी ऑफिस है, शुरू से यहीं पर ऑफिस है। और यहाँ पे RDA का भी ऑफिस हुआ करता था और आज भी यहाँ पे SBI बैंक की मेन मेन शाखा है। मैं सन 84 से नहीं कह सकता, लेकिन सन 90 से इस मार्केट में बचपन से आता जाता हूँ और आज भी अपने यहाँ व्यापार करता हूँ। मैंने कभी भी नहीं देखा कि इसके सेकंड फ्लोर पर आज तक किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष ने या किसी भी EO द्वारा या किसी भी सरकारी संगठन द्वारा इसका निर्माण का कुछ कार्य किया गया है। जैसा कि अभी आपने अपने फुटेज बनाए हैं उसमें आपने देखे हैं किस तरह से ऊपर की जो रेलिंग है किस तरह से जर्जर है। डेली हम लोगों ने अपनी दुकान के बाहर टीन लगा करके रखा है, जिस टीन में पत्थर गिरते हैं उस टीन की भी आप ये समझ लीजिए पत्थर कितने बड़े गिरते होंगे, टीन चीर के नीचे आते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार शासन से ये अनुरोध है कि कम से कम ऊपर का जो सेकंड फ्लोर है उसकी जो रेलिंग वगैरह है उसकी मरम्मतीकरण किया जाए। 86 में यहाँ पे एक दूसरा अभी शौचालय बनाया गया है, उसमें कोई भी कर्मचारी नहीं रहता है, उसकी बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। और पानी की यहाँ पर व्यापारियों को जैसा आप देख रहे हैं कितनी गंदगी, खाली पुड़िया पान की लगी हुई है और पानी यहाँ से पाइपों से भरा करता है। पूरे सुपर मार्केट के व्यापारी इससे बहुत परेशान हैं और मैं शासन से यही अनुरोध करता हूँ कि सुपर मार्केट गुरु तेग बहादुर मार्केट के विषय में ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देने का कार्य करें। और दूसरा एक पॉइंट और है हमारा कि अभी तक यहाँ पर एक साइकिल स्टैंड होता था जिसमें 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये लेने का कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जाता था, किन्हीं कारणों से उस स्टैंड को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके कारण अब यहाँ पे व्यवस्था के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। तो मैं ये भी शासन से मांग करूँगा कि ठीक है, अगर यहाँ से स्टैंड ख़त्म किया गया बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, पर यहाँ पे एक कोई ऐसा कर्मचारी चाहे वो नगर पालिका से हो या किसी भी शासन स्तर से हो जो आने वाले कस्टमरों के लिए गाड़ी व्यवस्थित, क्योंकि जब कोई आदमी नहीं तो आदमी जहाँ ग्राहक जहाँ चाहता है वहाँ पर अपनी गाड़ी बेमन से पार कर देता है। इससे आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है, बैंक में विकलांग भी आते हैं जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बरसात में इसकी हालत कभी गिर सकती है? पिछली बरसात में मैं आपको महोदय बताऊं कि नगर पालिका का जो स्वास्थ्य विभाग वाला एरिया है आप अभी उधर जाकर के देखिएगा, एक तरफ की पूरी रेलिंग बरसात में गिरी, अगर उस समय नीचे कोई भी होता तो उसको चोट नहीं उसकी सीधे मौत होती, इतनी बुरी बदतर में है। पूरी रेलिंग पीछे की गिर चुकी है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ आप देखें जाकर अगर पीछे तो वहाँ पूरी रेलिंग एक तरफ की गिर चुकी है। पेड़ों में बड़े बड़े पीपल के पेड़ इसके पेड़ लगे हुए हैं, इसके ऊपर की जो सेकंड फ्लोर की व्यवस्था है क्योंकि नीचे जो व्यापारी वर्ग है उसने अपना अपना क्षेत्र जहाँ तक उससे हो सकता था उसने जो है करवाया, पर जो ऊपर का है जिससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा खतरा है उससे सही कराने का मेरा शासन से अनुरोध है।